कक्षा 10 विषय विज्ञान का ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, 5 नंबर आपको देके जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसका समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम उसका फिगर बनाएंगे। यहाँ पे चित्र इसका इस प्रकार से ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे R1 R2 R3 को समांतर क्रम में जोड़ देंगे और यहाँ विभवांतर V है। R1 में धारा I1 जा रही है, R2 में I2, R3 में धारा I3 जा रही है। तो आपको चित्र सबसे पहले स्पष्ट रूप से बना लेंगे। बनाने के बाद आपको लिखना क्या होगा, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस क्रम में विभवांतर का मान समान तथा धारा का मान असमान होता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ओम के नियमानुसार V बराबर IR होता है। तो प्रतिरोध R1 में धारा निकाल लेंगे, इसके बाद प्रतिरोध R2 में धारा निकालेंगे, प्रतिरोध R3 में धारा निकालेंगे, बारी बारी से निकालेंगे। तो जैसा यहाँ देखेंगे, सबसे पहले प्रतिरोध R1 में धारा निकालेंगे तो I1 बराबर हो जाएगा V अपन R1। फिर इसके बाद प्रतिरोध R2 में धारा निकालेंगे, I2 बराबर होता है V अपन R2। प्रतिरोध R3 में धारा निकालेंगे, I3 बराबर हो जाएगा V अपन R3। इसके बाद कुल धारा का मान यहाँ निकालेंगे, तीनों धाराओं को यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। कुल धारा बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो कुल धारा I बराबर I1 का मान रखेंगे V अपन R1, I2 का मान रखेंगे V अपन R2, I3 का मान रखेंगे V अपन R3, तीनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे I का मान निकालेंगे तो V अपन R होगा। इन तीनों में V का मान हम कॉमन कर लिए, V कॉमन कर लिए यहाँ पे, तो बचेगा 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। इधर V और V से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर अंत में बचेगा 1 अपन R बराबर 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस